जयपुर का रामगढ़ बांध अब थोड़ा मुस्कुराया है। ये मुस्कुराहट क्यों आई, इसका अंदाजा आपको दिल को सुकून देने वाली जयपुर ग्रामीण से आई इन दो तस्वीरों को देखने से हो जाएगा। रामगढ़ तक पानी पहुंचाने वाली बाणगंगा नदी में हिलोरे मारता बरसाती पानी उम्मीद जगा रहा है कि नेताओं और अफसरों ने भले ही इस बांध में चुल्लू भर पानी नहीं छोड़ा, पर अब जो थोड़ा बहुत पानी बांध के पेटे में आया है वो इसके अस्तित्व को सहारा देने को काफी है। हाँ, रामगढ़ की प्यास इस मानसून में बुझ पाएगी इसकी उम्मीद कम ही है। रामगढ़ बांध भी छलक जाएगा, वो इसलिए क्योंकि अकेला ये बांध ही प्यासा रह गया है। इंद्र देवता के कारण नहीं, हमारे हुक्मरानों की करतूतों के कारण। संतोष इस बात का है कि अतिक्रमण की भरमार और भूमाफिया के न चाहते हुए भी सहायक नदियों ने अब देर से ही सही रामगढ़ का रुख कर लिया है। ईश्वर करे ठीक वैसे ही ये नदियां रामगढ़ को लबालब करे, जैसे प्रदेश की दूसरी नदियां छलकते तालाब और बादलों की तरह गरजते बांधों के नजारे सामने आ रहे हैं। मानसून की इस बार की मेहरबानी देखिए, कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं उफनते नाले, और तो और धोरों में भी गंगा की धार पहुंची है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, बारिश भी ऐसी कि ऐसी पिछले 49 साल में नहीं हुई। आइए आपको बताते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। मौसम विभाग जयपुर के मुताबिक 1975 में पूरे मानसून सीजन में 665 mm बारिश हुई थी, जबकि इस बार 664 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। ऐसे में बांधों, नदियों और तालाबों का ओवरफ्लो होना लाजमी है। ज्यादा बारिश के दंश हैं, लेकिन उससे ज्यादा खुशियां अपार। आओ दुआ करें कि वर्ष 2005 के बाद पहली बार इस बांध में जल देवता का आगमन हो। बाकी जो कैचमेंट है वो स्टेशन अपन स्थापित कर रखे हैं, वह इतनी बारिश नहीं हो पा रही है। यहाँ कंपेयर अपन बात करते हैं जयपुर सिटी की, तो जयपुर सिटी में 1300 से ज़्यादा बारिश है। और जो बाकी अपन बात करते हैं जहाँ बाणगंगा के उद्गम स्थान बैराट और बाकी स्टेशन चेचाला, मामटोरी, सांगावाला, वहाँ इतनी बारिश नहीं हो पा रही है। नदी के एरिया में पानी का फ्लो नहीं हो पा रहा बारिश की वजह से। जैसे नीचे डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में नदी बह रही है, बाणगंगा नदी आज भी बह रही है, फ्लो हो रही है। चोरा नदी भी फ्लो हो रही है। अभी अभी जो जसंतला गाँव है वहाँ तक अभी आ रही है, कंटिन्यू है। उम्मीद करते हैं कि आउट होगी। अगर ऐसी बारिश आज की जैसे 63 mm बारिश है आज सुबह से मॉर्निंग से अब तक, ऐसी बारिश हो तो बारिश होगी। अब तक तो हर साल बरसात कम हो या ज़्यादा, रामगढ़ बांध एक एक बूंद पानी के लिए तरसता ही नजर आया। पुराने लोग बताते हैं कि 1970 में रामगढ़ बांध पर तब 6 फीट की चादर चली थी। जयपुर में आई 1981 की बाढ़ तो लोग भूल ही नहीं सकते। रामगढ़ लगातार 20 दिन तक ओवरफ्लो होकर बहता रहा था। बांध का जल स्तर इतना ऊपर था कि 1982 में एशियन गेम्स की नौकायन प्रतियोगिता भी यहीं आयोजित की गई थी। अब तो सब भूली बिसरी बातें हो गई, रह गई हैं तो सिर्फ यादें। लेकिन हर जयपुरवासी जरूर चाहता है कि रामगढ़ में फिर नौकायन हो, यह भी चाहता है कि बांध ओवरफ्लो हो। बस आपकी और हमारी दुआ चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।